आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अलीगढ़ में हर घर जल दीपावली कार्यक्रम का आयोजन, जल निगम अधीक्षक अभियंता ने बताई जल की महत्ता। अयोध्या में दीपोत्सव में पीएम के आने को लेकर लोगों में उत्साह, वॉलंटियर्स ने कहा पीएम का कर रहे हैं इंतजार। लखनऊ में रिटायर्ड आईजी के घर में लगी आग, रिटायर्ड आईजी की मौके पर हुई मौत। कासगंज में पुलिस ने दो अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, अफीम अवैध तमंचा समेत दो गाड़ियां भी बरामद की गई। अलीगढ़ में डीएम का बड़प्पन आया सामने, ग्रामीण महिला ने मांग कर खाया खाना। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर अयोध्या से है, जहां तीन दिवसीय दीपोत्सव के आज तीसरे दिन राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है और दिए लगाने का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर वॉलंटियर और अयोध्या के साधु संतों में दीपोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बस पीएम जी का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं पीएम जी हमारे, मतलब दीपोत्सव के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी है और देखने का भी बहुत मन है सामने से। देखो किस्मत में होगा तो देख भी लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा तैयारी भी अच्छे से चल रही है और सब, बस हॉल रौनक चहल पहल जैसे पहले से इस बार ज़्यादा है, तो ऐसी खुशी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अयोध्या में पहली बार आ रहे हैं पीएम जी, तो फिर बहुत ही मतलब ऐसा दीप उत्सव के टाइम पे पहली बार आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हाँ, इस बार 20 लाख दिए जलाने का हम लोग ने संकल्प लिया है, उससे भी ज़्यादा मतलब हो सकता है, 20 लाख तो उसमें है। एक तो छठा है और फिर इस साल, और पहले तो 5-6 लाख ही होते थे, अभी 17 लाख है, फिर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसमें खुशी का तो माहौल ही है, और फिर अयोध्या धाम है इसका तो और ही महत्तम है, और राम का मंदिर भी बन रहा है। हाँ, दोनों काम हो रहे हैं, मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या में हम सब बात करें तो अयोध्या वासियों के लिए तो खुशी का तो माहौल ही है। अयोध्या का, भगवान का, राम जी का, और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, लोगों का मिलान, प्रेम भाव, एकता का, यही तो प्रतीक है त्योहारों का। ये बड़ा अच्छा विषय है, भगवान राम जब रावण का वध करके असत्य के सत्य के ऊपर विजय हुई, और भगवान जब आगमन हुआ अयोध्या में पुष्पक विमान से आए, और उस समय खुशी का माहौल हुआ और दीप उत्सव मनाया गया, तो वही परंपरा के अनुरूप योगी जी इस जब से मुख्यमंत्री बने तब से इस कार्यक्रम को उन्होंने शुरुआत किया। भाई आएंगे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी, और राम मंदिर में दर्शन करेंगे, दीपक जलाएंगे, उसके बाद यहाँ राम कथा पार्क में नागेश्वरनाथ में राम पैड़ी पे यहाँ दीपोत्सव होगा। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत सुंदर और आनंद ही आएगा। अलीगढ़ के हसनपुर में भ्रमण करते डीएम का बड़प्पन सामने आया है। आपको बताने की डीएम प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं का फीडबैक लेने पहुंचे थे, जहां डीएम ने वहां मौजूद लोगों का हालचाल जाना, साथ ही खेती किसानी की योजनाओं की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गांव के एक घर में जाकर खुद से खाना मांगा और खाया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। क्या कही उन्होंने, क्या पूछा आपसे? पेंशन की पूछी, मिल रही है। क्या
क्या कहोगे फिर इसको लेकर के? पेंशन मरीज बिल्कुल बढ़िया काम है रहा यहाँ पर। अच्छा तो डीएम साहब तो क्या कहोगे कि आज कौन आया था आपके घर पे? हमारे घर पे डीएम साहब आए थे। तो क्या रहा फिर? बहुत अच्छा लगा उन्हें आके, नहीं नसीब वालों को मिलना होता है। तो खाना वगैरह भी खाया उन्होंने? हाँ खाना खा के गए, बहुत अच्छा लगा हमें, वो खाना खा के गए हमारे यहाँ। अलीगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान जल निगम अधीक्षक अभियंता ने जल की महत्ता पर अपने विचार रखे और बताया कि पानी की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, ऐसे में आने वाले समय में पानी मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं सोसाइटी अध्यक्ष ने कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के देश के प्रत्येक परिवार तक शुद्ध जल पहुँचाने के मिशन के बारे में बताया। इस दौरान भाजपा बूथ अध्यक्ष स्वयं सेवक समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जिन ग्राम पंचायतों में पानी पहुंच गया है और ग्रामीणों को पेयजल शुद्ध उपलब्ध हो रहा है, उन ग्राम पंचायतों में हर घर जल दीपावली मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो अलीगढ़ में भी हम लोगों ने धनीपुर के रहसूपुर और कैसूपुर गढ़राना में उसका आयोजन किया, जहाँ ग्रामीणों ने पानी आने की खुशी में रंगोली मनाई और पानी की टंकी पर दीप जलाए गए और इस तरह से उत्सव मनाया और उन लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। अंबेडकर नगर में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और उनके साथी के साथ मारपीट की और तमंचे के बल पर लूटपाट भी की, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं थाने में लिखित पत्र देने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और तो और पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने पीड़ित पक्ष को धमका रही है। हमारे सब तो पहले कुछ ना जान पान, घरे जैसे साइकिल ठाढ़ी आवे लागिन तैसे वे सब चार चक्का से आए और बीसन पच्चीसन जने इनका छुअप लिहन। तो हमारे सब कहा थे भैया का है तो कुछ न बताओ थे, हमारे सब कहन इतना जने घटैया दबाई नब्बे मार डरी हैं, लेके हमारे सब ठियल ठियल घर में हालत है, हमारे सबसे हींच हींच घर में से बहरे ले ले भागा था, हमारे सबका पिस्तौल दिखावत है और बंदूक दिखावत है। कब का मामला है ये? 7-8 बजे का मामला हुआ है, टाइम हुआ सर। कल का मामला? हाँ, भी कहा सुनी को लेकर उनके लेबर से हुआ था और वो लोग मेरे घर पे लगभग मलखान सिंह, वीरू सिंह और अज्ञात 10-20 लोग मेरे घर पे आए और मेरे साथ जब मैं घर पहुंचा उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद वो जितने लोग बीच बचाव करने आते थे उन पे असलहा तान देते थे, कम से कम उनके पास अवैध 5 असलहे थे और वो आपराधिक परवित किस्म के आदमी हैं, उनका खानदान आपराधिक परवित कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल पांडे हमसे जुड़ेंगे। राहुल, अंबेडकर नगर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, अज्ञात ने ब्लॉक प्रमुख के साथ मारपीट की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा दबंगई की गई है, हालांकि ये मामला 20 अक्टूबर का है। 20 अक्टूबर को सुभाष चंद्र तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी है, इनसे कुछ कहा सुनी था, मामूली से कहा सुनी था। महारानी गाँव, महारानी का डी एक गांव है जो सिटी थाना क्षेत्र में पड़ता है। 20 अक्टूबर की रात 8 बजे ब्लॉक प्रमुख राणा वीर सिंह द्वारा और मलखान सिंह जो वरिष्ठ सपा के नेता हैं, इनके द्वारा अपने गुर्गों को लेकर गांव में घुसे और सुभाष चंद्र तिवारी से मारपीट की और बीच बचाव में जो भी ग्रामीण आए उनको भी असलहे की नोक पर डरवा धमका कर उनके भी साथ अभद्रता की गई। हालांकि इस पूरे मामले में लोकल पुलिस को तहरीर दी गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को तूल पकड़ते देख यहां के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं सीओ भिवटी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अफीम और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, साथ ही अवैध तमंचा और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं।
देखिए थाना सहावर क्षेत्र अंतर्गत सहावर की टीम और हमारे एसओ जी टीम ने बहुत ही बड़ी और अच्छी सफलता प्राप्त की है। इन्होंने दो अभियुक्त आकाश पुत्र राजाराम और संजय पुत्र भगवान दास, दोनों कालगंज के निवासी हैं, इनसे बहुत बड़ी मात्रा में 6 किलो 100 ग्राम अफीम, 2 तमंचा मई, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद की है। ये जो 6 किलो 100 ग्राम अफीम जो इन्होंने मतलब पकड़ा है, इसका अंतर्जातीय मूल्य जो है करीब 2 करोड़ से ऊपर है। इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और हमारे तरफ से इनको 25,000 इनाम घोषित करता हूँ। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आफ्ताब आलम ग्राम प्रधान रामपुर विकास खंड मनियर बलिया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनोज फुटवेयर्स सभी नगर वासियों को धनतेरस दीपावली गोवर्धन एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश बंसल, फोन नंबर 9758948049। सभी नगर वासियों को धनतेरस दिवाली गोवर्धन एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप कुमार अग्रवाल, साफ स्वच्छ प्लॉट खेत मकान दुकान इत्यादि खरीदने व बेचने हेतु संपर्क करें। संदीप कुमार अग्रवाल प्रॉपर्टी डीलर एंड कॉलोनियर, फोन नंबर 9758826। आसाम टीचर्स गौरव टी, मेरे यहाँ आसाम व दार्जिलिंग की खुली चाय मिलती है। मेरा पता है महेंद्र नगर चौहान स्वीट सेंटर के सामने, महेंद्र नगर अलीगढ़। मेरा फ़ोन नंबर है 7520732607। एक बार सेवा का मौका दें। अजय कसोदन उर्फ मोदी नगर पंचायत इल्तिफातगंज अंबेडकर नगर के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्हैया कुमार वर्मा ग्राम प्रधान उत्तरेतु विकास खंड टांडा अंबेडकर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश कुमार ग्राम प्रधान महुआरी विकास खंड टांडा जनपद अंबेडकर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड टांडा अंबेडकर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश कुमार ग्राम प्रधान महुआरी विकास खंड टांडा जनपद अंबेडकर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत ककराही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सत्यम चौधरी और ग्राम विकास अधिकारी अजय वर्मा विकास खंड टांडा अंबेडकर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश कुमार पासी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इल्तफातगंज अंबेडकर नगर की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक गुप्ता संचालक बालाजी स्वीट हाउस औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक गुप्ता की अपील, इस त्योहार पर अपना ख्याल रखें और शुद्ध खोए से बनी ही मिठाई खाएं, जो कि हमारे स्वीट हाउस पर उपलब्ध है। मैं विवेक गुप्ता प्रोपराइटर बालाजी स्वीट हाउस ब्लॉक के औरैया की ओर से समस्त नागरिकों को धनतेरस एवं दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा खुद खोए से निर्मित मिठाइयाँ और नमकीन बिक्री की जाती हैं एवं लंच पैकेट भी तैयार की जाती है। संजय दीक्षित संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली और भैया दूज पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह व्यापारियों के हित के लिए
हमेशा से ही संघर्ष करते रहे हैं, साथ ही व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का भी वचन दिया है। ब्रजेंद्र गुप्ता उर्फ गुड्डू दादा प्रदेश अध्यक्ष यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र गुप्ता की अपील, दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है, इस पर्व को भाईचारे के साथ उत्साह से मनाएं। समाजवादी पार्टी से सदर के प्रत्याशी रहे जितेंद्र दोहरे एवं अजीत मल नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के दावेदार माघवीन सिंह औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि शांति एवं सौहार्द के साथ त्योहार को मनाएं और भाईचारे का संदेश दें। मैं पल्लवी पाल आप सभी नगरवासियों व क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली तथा भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये आने वाला पर्व आप सभी के जीवन में उजाला लेकर आए। कुलदीप पोरवाल एवं दीप्ति पोरवाल संचालक विनी साड़ी कलेक्शन औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रेम एवं सद्भाव का त्योहार है, इसे भाईचारे के साथ मनाएं। बिलालुद्दीन अलापुर बदायूं की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। चिनोज शाह के उर्फ दीपू भैया पूर्व विधायक बदायूं की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमित्रा देवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल अलापुर बदायूं की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के इंदिरा नगर में रिटायर्ड आईजी के घर में आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दम घुटने से रिटायर्ड आईजी की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी व बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़ेंगे। शादाब, रिटायर्ड आईजी की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, मैं बता दूं कि ये देर रात का मामला है। इंदिरा नगर सी ब्लॉक में जो रहने वाले रिटायर्ड आईजी थे और उनकी पत्नी और साथ ही उनका बेटा साथ रहता था, वहीं एसी के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और आग इतनी भयानक हो गई कि उसमें रिटायर्ड आईजी की मौत हो गई। फिलहाल पत्नी और बेटे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल जो आग लगने का कारण था वो एसी के शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल वहां पे एक घंटे तक फायर ब्रिगेड और गाजीपुर पुलिस लगी रही, उसके बाद आग पे काबू पाया गया। लेकिन वहीं अगर रिटायर आईजी की बात की जाए तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो मौत इनकी बताई जा रही है वो दम घुटने से बताई जा रही है, क्योंकि वहां पे इतना धुआं भर गया था, धुआं के चलते उनकी आग धुआं भरा, उसके बाद उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो परिवार के दो सदस्य हैं, उनकी पत्नी और उनका बेटा शशांक, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी आज मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं फायर ब्रिगेड के, वो घटना की जानकारी ले रहे हैं कि किस वजह से आग लगी थी। लेकिन आग लगने का कारण यही बताया जा रहा है फिलहाल, एसी के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिससे रिटायर्ड आईजी की मौत हो गई। जी मयूरी, धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए।
खबर हरदोई से है, जहां CSN कॉलेज में दुकानदारों द्वारा पटाखों की दुकान लगाई जा रही है। दुकानों का SDM सदर स्वाति शुक्ला ने निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SDM शुक्ला ने दुकानदारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिन शर्तों के आधार पर अनुमति मिली है, उन सभी शर्तों का पालन करते हुए, सुरक्षा को देखते हुए सभी लोग अपनी दुकानें लगाएं और अनुमति समाप्त होने के बाद अपनी दुकानें हटा लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो अनुमति निरस्त करके कार्रवाई की जाएगी। जो परमिशन के रूल्स हैं वो सारे वो फॉलो करते रहे और उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए अपना पटाखा सेल करें और जितनी भी दिन की परमिशन उसको फॉलो करें। बलिया में नरही थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया है। वहीं गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आनन-फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। वो पिस्टल निकाल के वो जान से मारने के लिए हमको मारा था, तो इस पे तो हम ऐसे कर लिए सर, फिर एक बार फिर मारा, तीन बार हमको पिस्टल से वो मारा। उसके बाद हम रोड पे गिर गए तो मेरे इस पे बैठ के वो ठेहुना से अपना इस पे खूब मारा सर हमको। दिनेश सिंह, किशन प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह, विक्की सिंह हमको पिस्टल से मारे हैं। वो मेरा ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है। वहाँ पर पहले से ही ग्राम समाज की जमीन कब्जा करके उसको घर बना लिए हैं लोग बहुत दिनों से। उसके लिए जो है वहाँ पर बहुत लोग भी और भी जमीन कब्जा लोग किए हैं, लेकिन उनमें उस वो लोग थाने में भी इसके पहले गिरफ्तार होके गए थे। उस जमीन जब वो बना रहे थे घर तो थाने में भी गिरफ्तार होके गए थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देशदुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सचिन राणा, सचिव विकास खंड बहेड़ी जिला बरेली की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से आपको इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर ऐसे ही बरसती रहे, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विश्व में हमारा नाम हो। आपको गोवर्धन पूजा पर भैया दूज की भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। संजीव बालियान उर्फ बिटाना, शराब ठेकेदार एवं शिवम अग्निहोत्री व्यापारी फरुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज गुप्ता, अध्यक्ष नवीन मंडी स्थल छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, सभी नगरवासियों को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी नगरवासियों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग ऑनलाइन ख़रीदारी ना करके सभी लोग बाज़ार से दीप, मिट्टी के बने दीपक और नगर के व्यापारियों से सामान खरीदें, जिससे हमारे नगर के व्यापारियों को फ़ायदा हो और ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। हलीम इंग्लिश स्कूल चमनगंज कानपुर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। करण कुमार उर्फ मोनू भाई, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा अनुसूचित जनजाति कानपुर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मेट्रो को भेजा गया लगभग 8 करोड़ टैक्स का बिल, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेट्रो ने टैक्स जमा करने से इनकार किया। इक्कीस स्टेशनों पर खुले व्यावसायिक प्रतिष्ठान। निगम ने मेट्रो का खाता सीज करने की तैयारी शुरू की। नगर निगम मेट्रो स्टेशन सभी ऑफिशियल और आवासीय कॉलोनियों पर लगाएगा टैक्स, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मेट्रो संचालन के 5 साल पूरे होने के बाद नगर निगम ने टैक्स लगाया है। मेट्रो को भेजा गया लगभग 8 करोड़ टैक्स का बिल, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेट्रो ने टैक्स जमा करने से इनकार किया। इक्कीस स्टेशनों पर खुले व्यावसायिक प्रतिष्ठान। निगम ने मेट्रो का खाता सीज करने की तैयारी शुरू की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ से बड़ी खबर आई है, मेट्रो को लगभग 8 करोड़ का टैक्स का बिल भेजा गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मयूरी, आपको बताएं कि लखनऊ मेट्रो कॉर्पोरेशन यानी कि LMRC को नगर निगम की तरफ से बात की जाए तो 8 करोड़ रुपए का टैक्स का बिल भेजा गया है। अगर देखा जाए तो अमौसी एयरपोर्ट से अब मुंशी पुलिया स्टेशन तक जो मेट्रो जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है वहां तक 21 स्टेशन पर खुले हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान। तो इन सभी जो 21 स्टेशन हैं इन पर कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं, अलग अलग कंपनियों के आउटलेट खुले हैं। उसके टैक्स को लेकर अब नगर निगम की तरफ से 8 करोड़ रुपए का बिल भेजा गया है। इसमें साफ तौर से देखा जाए तो मेट्रो की तरफ से इसे साफ तौर से जो जमा करने की राशि है, जो कुल राशि है, उसको जमा करने से इनकार करने की बात कही गई है। वहीं आपको बताएं कि मेट्रो का संचालन का 5 साल पूरा हो चुका है और 21 स्टेशनों पे अलग अलग तरह की दुकानें हैं और नगर निगम उसका 8 करोड़ रुपए का टैक्स भेजा है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि दो विभागों के बीच यानी कि मेट्रो LMRC और नगर निगम के बीच जो कहीं ना कहीं एक साठ गांठ बनते हुए नहीं दिख रही है और जो प्रतिष्ठानें चल रही है उसका टैक्स LMRC की तरफ से नहीं जमा करने की बात कही जा रही है 8 करोड़ रुपए। अब देखने वाली बात ये होगी कि टैक्स को कैसे नगर निगम वसूलता है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मोहम्मद नफीस उर्फ बाबू भाई वार्ड नवासी के पार्षद प्रत्याशी काली बाजार कानपुर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद समी शेख नबीला एक्सपोर्ट की तरफ से आप सभी देशवासियों व नगर वासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि आप लोग खुशियों से के साथ इस त्यौहार को मनाएं और खुशियां बांटें। धन्यवाद। वसीम खान प्रोप्राइटर MG कंस्ट्रक्शन कानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैयादूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय पाल सिंह सभासद नगर पालिका परिषद गंज डुडवारा नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहनी कासगंज की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेडिकेयर एम्बुलेंस सर्विस लखनऊ की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में मरीजों के आवागमन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मेडिकेयर एम्बुलेंस सर्विस आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर, कंसल्टेंट फिजिशियन संवेदना होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ एंड फाउंडर संवेदना होम्योपैथिक एकेडमी प्रोग्राम। आप सभी देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, सेफ दिवाली मनाएँ और आई होप ये जो दिवाली है वो कोरोना के बाद हमारी पहली दिवाली है जहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। दिल खोल के दिवाली मनाएं, लोगों से मिलें और प्रेम फैलाएं, ठीक है।
और बस कुछ चीज़ें हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाएं और नेचुरल रहें, लोगों से मिलें, मन की सारी गंदगी हटाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नमस्कार, हैप्पी दिवाली। डॉक्टर ब्रजेश पाठक प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन लखनऊ की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजेश कुमार और मैं नीलकंठ स्वीट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि अब की बार की दीपावली आप लोगों के लिए खुशनुमा हो, खुशहाली मनाएं, अच्छे से मनाएं। और आज ये कोरोना के बाद में ये एक पहला त्यौहार जो है कि जो अच्छे से बीतने वाला है, खुशहाली से बीतने वाला है। नहीं तो जहाँ कोरोना काल में लोगों ने काफ़ी लोगों को खोया हुआ है, काफ़ी दुख मुसीबत उठाया हुआ है और काफ़ी चीज़ें जो है सड़क पर आ गई थी, लोग उबर नहीं पाए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा है कि गाड़ी पटरी भी आ गई है सबकी। तो अब आशा करते हैं कि सबकी दिवाली खुशहाली से गुजरे और हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। और बाकी जो हमारे नीलकंठ स्टाफ की तरफ से, हमारे नीलकंठ परिवार की तरफ से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार। मैं राजीव रंजन टीपी ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और मुझे यकीन है कि कोरोना के बाद में, काफ़ी दिन बाद में ये जो है दिवाली का अच्छे से धूमधाम मनाने का अवसर मिल रहा है, तो हम लोग खूब अच्छी तरह इस बार 2 साल के बाद में कोरोना मुक्त जो है दीपावली मनाएं और सुरक्षित रहें, खूब पटाखे फोड़ें, खूब जल दिए जलाएँ, लेकिन सुरक्षित रहकर। आई विश यू हैप्पी दीपावली। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। भारत त्योहारों का देश है, यहां कई प्रकार के त्योहार साल भर ही आते रहते हैं, लेकिन हमारे यहां दिवाली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस त्योहार का बच्चों और बड़ों को पूरे साल इंतजार रहता है, कई दिनों पहले से ही इस उत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे। इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों का त्योहार दीपावली मनाया जाने लगा। ये त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं, तो वहीं त्योहार आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई और सजावट का काम शुरू हो जाता है। दीपावली का त्योहार जो है, महाराजा जो राम है, रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे इस दिन, और अयोध्या वासियों ने इस खुशी में पूरे अयोध्या नगरी को दियों से सजाया था, तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली में इंडिया में जो है लक्ष्मी और गणेश
की पूजा करते हैं। लक्ष्मी और गणेश दोनों ही शुभ हैं और लक्ष्मी जी जो हैं धन प्राप्ति के लिए पूजा होती है। इसके अलावा मार्केट में जो है हाथ से बने हुए दिए काफ़ी अब दिखने लगे हैं और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि अपने घर में दियों का प्रयोग अधिकतम करें और घर में बनी हुई अपने इंडिया में बनी हुई जो लाइटें हैं और सामान है उनका मैक्सिमम यूज करें। मेरा नाम पूजा यादव है। दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस तरह की खास रौनक देखने मिलती है? दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है जब भगवान राम, माता सीता, अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, अयोध्या के जो वासी थे दीप को जलाकर उनका स्वागत किए थे, इसी वजह से दीपों का त्यौहार मनाया जाता है या कार्तिक मास अमावस्या की रात में मनाया जाता है। इस दिन पहनने के लिए लोग नए कपड़े भी बनवाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसीलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को दियों से रोशन कर दिया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक ये त्योहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापारी अपने नए बही खाते बनाते हैं, फुलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं, दुकानों बाजारों और घरों की सजावट देखने वाली होती है। लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी भेदभाव भूलकर आपस में मिलजुल कर ये पर्व मनाते हैं। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है हमारे हिंदू समाज का जिसे छोटे से लेके बड़े तक, छोटा छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो या बीच का आदमी हो, सारे लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें छोटे व्यापारी जैसे आप फूल माले वाले हो गए, दिए वाले हो गए, कुम्हार हो गए, इनका भी ललक होता है कि आज दिवाली है। वो लोग महीने भर से तैयारी किए, साल भर से वो लोग मेहनत करते हैं छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने में, दिया बनाने में, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ। और हमारे जो बीच के वाले जो होते हैं वो लोग मूर्तियाँ ले जाकर घर में इनकी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं भगवान की। दिवाली इस तरह का त्यौहार होता है, लोग दिए से और फूलों से अपने घर को सजाते हैं। यहाँ तक दिवाली में सबकी दुकानदारियाँ बढ़िया होती हैं। आजकल तो ऑनलाइन वालों ने इनकी दुकानदारियाँ बहुत डाउन कर दी हैं, पर हमारे यहाँ मोदी जी के कहने के अनुसार, योगी जी के कहने के अनुसार लोग अब भावुक हो गए हैं। अब ऑनलाइन की दुकानदारी कम करके लोग अपने शहर में अपने नज़दीकी दुकानदारों से ही सामान परचेज कर रहे हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मधुरिमा होटल लखनऊ की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेडिकेयर एम्बुलेंस सर्विस लखनऊ की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में मरीजों के आवागमन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मेडिकेयर एम्बुलेंस सर्विस आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहेगी। सभी भाइयों और बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आजम, मेडिकेयर एम्बुलेंस से। मेरी एम्बुलेंस सर्विस गुड़गांव और लखनऊ दोनों जगह लास्ट 5 ईयर से हम सर्विस दे रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, सिरिंज पंप, ICU की सारी फैसिलिटी होती है। हम बाई रोड, बाई एयर, बाई ट्रेन, नेशनल एंड इंटरनेशनल सारे पेशेंट शिफ्ट करते हैं। हम नियोनेट बच्चों के लिए इंक्यूबेटर और नियोनेट वेंटिलेटर भी हमारी एम्बुलेंस में अवेलेबल है। हम रोड साइड एक्सीडेंट जो भी होते हैं, अगर हमको इन्फॉर्म होता है या हमारे स्टाफ रोड साइड कहीं अगर जाते हुए मिल जाते हैं, कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको हम फ्री नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। और हमारी टीम BLS और CPR की फ्री ट्रेनिंग भी देती है। साथ ही हम भाइयों से चाहेंगे कि आप अगर किसी भी भाई को ज़रूरत हो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से दीपावली मनाएं और सेफ रहें। धन्यवाद।
रामचल सवर अभियंता विद्युत वितरण निगम लखनऊ की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सरकार के नियमों के अनुसार लोग दिया जलाएं, पटाखे कम जलाएं और अपने बगल में रहने वाले सभी लोगों का थोड़ा ध्यान रखें, जिनके पास थोड़ी सी भी मजबूरियाँ हों उनको इस त्यौहार पर सभी को खुशियाँ मनाने का मौका दें और सभी के साथ शामिल हों और लोगों के साथ मिल बांट के खुशियाँ मनाएं। मैं शिवराज फिलिंग स्टेशन प्रत्यानपुरम गोमती नगर की तरफ से चंदभर वासियों एवं प्रदेश वासियों को दिवाली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे अनुरोध भी करता हूं कि इस दिवाली को सेफ बनाए, पटाखा एवं इत्यादि सामान न चलाए, जिससे हमारे प्रदेश में धुआं आदि की समस्याएं आती हैं, जिसमें लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पालन करें, जिससे हम भी सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें। सेफ एंड हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार यादव, निवर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी युजन सभा। आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश से आप सभी के मंगल कामनाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि माता लक्ष्मी आप सभी के परिवार पर अपनी कृपा बरसाएं और आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज के त्योहारों पर मैं प्राइम टीवी के सभी दर्शकों और समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमात्मा करे कि आप सभी का जीवन स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हो। धन्यवाद। जय हिंद। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम।